आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, हमें यह क्वेश्चन दे रखा है कि एक्सेल इज अ प्रोग्राम दैट इज यूज्ड टू प्रिपेयर ए। आवर फर्स्ट ऑप्शन इज डेटाबेस, सेकंड ऑप्शन इज टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, थर्ड ऑप्शन इज स्प्रेडशीट एंड द फोर्थ ऑप्शन इज स्लाइड प्रेजेंटेशन। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या होता है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर क्या होता है कि हम स्प्रेडशीट बनाते हैं। स्प्रेडशीट क्या होती है? जिसके अंदर रोज और कॉलम होते हैं, ठीक है। इस प्रकार की ये शीट होती है, ये हमारे कॉलम हो जाएंगे और ये नंबर ऑफ रोज हो जाएगी। तो नंबर ऑफ रोज और कॉलम बनाने के लिए क्या होता है कि स्प्रेडशीट का यूज होता है। इसी को क्या बोलते हैं? स्प्रेडशीट बोलते हैं। और इसको किसके द्वारा बनाया जाता है? एक्सेल के द्वारा बनाया जाता है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल किस चीज को बनाता है? तो स्प्रेडशीट। तो किसको बनाता है? स्प्रेडशीट, स्प्रेडशीट, ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर थर्ड है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एक्सेल प्रोग्राम किसके लिए होता है? स्प्रेडशीट के लिए होता है, और डाटाबेस के लिए नहीं होता। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाने के लिए हम क्या करते हैं? वर्ड का प्रयोग कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो स्लाइड प्रेजेंटेशन के लिए हम क्या करते हैं? पावर पॉइंट का प्रयोग करते हैं। तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। तो माइक्रोसॉफ्ट जो एक्सेल होता है उसका यूज हम किसके लिए करते हैं? स्प्रेडशीट बनाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट हो जाएगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।